हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी और माधुरी वाला किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मसाला मूंगफली नमकीन, और ये स्नैक बहुत ही झटपट बनने वाला स्नैक है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही क्रिस्पी है, और आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं। तो चलिए हम इस स्नैक को बनाना शुरू करते हैं, और इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे मसाला मूंगफली। तो मसाला मूंगफली बनाने के लिए हमने जो एक कटोरी है ना, तो हमने इस कटोरी से दो कटोरी हमने मूंगफली लिया हुआ है, और उसी कटोरी से हमने एक कटोरी इनमें बेसन लिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं कि मूंगफली को धो लेते हैं और इसे छान लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम पानी डाल करके इसे जो है थोड़ी सी गीली कर रहे हैं, और फिर इसके बाद हम एक छन्नी लेंगे और इस छन्नी में हम इस मूंगफली को निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, आप चाहें तो इसे नहीं भी कर सकते हैं, तब भी आप इस नमकीन को बना सकते हैं, क्योंकि तब बेसन का घोल बना करके आप इस मूंगफली को उसमें डाल दे सकते हैं। तो मैं इस तरह बना रही हूँ। तो पहले मैं इसकी जो है कि पूरी मूँगफली को छान के निकाल लेती हूँ, और इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निकल जाए, इसमें पानी ना रह जाए, बस हल्की हल्की सी मूँगफली में नमी रह जाए। ये देख सकते हैं कि मैंने मूँगफली को छान लिया है, और इसका पानी निकलने के लिए मैं इसे साइड में रखती हूँ। और फिर हम एक बाउल लेंगे, और इसमें हम अपने ये जो हमने बेसन लिया है ना, इसको इसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे, और इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो एक चम्मच के करीब हमने यहाँ सेंधा नमक लिया हुआ है, और मसाला हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये हमने चाट मसाला लिया हुआ है, एक चम्मच के करीब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़े से आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और ये अमचूर पाउडर है, इसे भी ऐड करेंगे, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। तो मैं यहाँ दो चम्मच ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ये यहाँ थोड़ी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा है, इसको भी ऐड करेंगे, और एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर है, और इसमें हम डालेंगे साधारण नमक। तुम थोड़े से साधारण नमक ले लेते हैं, ये हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो मैं निकाल ले रही हूँ। तो एक आधा चम्मच के करीब जो है कि बेकिंग सोडा है, यानी मीठा पाउडर, तो आप इसे स्किप ना करें, इसे ज़रूर डालें। और थोड़े से हम डालेंगे इसमें गर्म मसाला, तो इतना सा हम इसमें गर्म मसाला डाल देते हैं, और इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अभी मिक्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मूंगफली ली हुई है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा जो है कि पानी की नमी है, और इसको इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे कि बस हल्के हाथ से इसे ऐसे हम इसे मिक्स करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा अगर ज़रूरत लगे तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे कि जो है कि अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। ये देखिए, यहाँ थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से पानी के बूंदे लेकर हमें इस पर डालना है कि बस अच्छे से कोट हो जाए, और इसे अच्छे से कोट करना है, नहीं तो अगर जैसे कि थोड़ा सा भी ड्राई रहेगी ये, तो जो है कि जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे ना, तो इसके मसाले निकलने लगेंगे, तो इसलिए इसे हमें अच्छे से कोट करना है। और इसे हम थोड़ा सा और पानी लेते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं भूल गई थी, सॉरी इसके लिए। तो मैंने यहाँ जो है कि कलर लिया, ये फ्रूट कलर है, ऑरेंज कलर है, तो इसको भी मैं इसमें डाल के मिक्स कर लेती हूँ। तो इसे भी मैं इसमें डाल लेती हूँ, थोड़े से पानी डाल लेती हूँ, और इसे भी डाल के मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लेती हूँ।
ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डालें और ना चाहे तो ना डालें, ये आपकी मर्जी है। तो देखिए अच्छे से मसालों में कोट हो गया है, ये जो कलर है मैं इसे अच्छे से इसे मैं मिला लेती हूँ। इसे मैंने कलर भी डाल के अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और ये देखिए इसकी कोटिंग जो है कि बिल्कुल अच्छे से हो गई है। और इसे हम ढक कर के रख देते हैं 15 से 20 मिनट तक के लिए, इसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है, इसे रेस्ट होने दिया है मैंने, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो हमने यह गैस पे रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, तो इसे हम फ्राई करते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम जो है कि मसाला मूंगफली को फ्राई करेंगे। तो हम ऐसी करछी लेंगे, ऐसी करछी से डालेंगे और इसे जो है कि हिलाने के लिए या तो खुरपी लें या तो ऐसी करछी हो ना तो उसका इस्तेमाल करें। तो अब हम इसी करछी से हम अपने जो है कि मसाले मूंगफली को डालेंगे। तो ये देखें अब इसको हम ऐसे करके डाल लेते हैं और इस करछी से हम इसे जो है कि अलग अलग करेंगे। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है और गैस की फ्लेम को आपको मीडियम और स्लो के बीच में रखना है कि जो है धीरे धीरे अंदर तक ही जो है कि पके और क्रिस्पी हो, जल्दबाजी न करें। और एक बैच को फ्राई करने में कम से कम आपको 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। तो इन सब टिप्स का फॉलो करें और आपके जो है कि मसाला नमकीन बहुत ही अच्छी बनेगी मूंगफली नमकीन। तो ये देखिए करछी के पीछे की सहायता से मैंने इसे जो है कि मिलाया है और ये सारे जो है कि मूंगफली जो है अलग हो गई है। और इसे हम फ्राई करते हैं और कम से कम इसे 7 से 8 मिनट तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसे जो है कि फ्राई करना है हमें अच्छे से कि अंदर से कच्चे ना रह जाए, नहीं तो ये अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो आप एक चबा करके देख लीजिएगा कि जैसे कि ये कुरकुरे हैं कि नहीं, तब इसको निकाल लेगा। तो फिर एक बैच को हम 7 से 8 मिनट फ्राई करेंगे, तभी हम दूसरा बैच डालेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है और इसे मैंने जो है कि चबा करके भी देख लिया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। तो मैं आपके पास अगर ऐसी करछी हो तो आप इसे छान करके निकाल लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो अच्छे से नीचे निकल जाएगा। तो मैं इसे ऐसे करके छान लेती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब चाहे तो इस पे जो है कि गर्मा गर्मा इस पे चाट मसाले डाल दें, आप चाट मसाले डाल देंगे तो और भी टेस्टी हो जाएगा। ऐसे मैं किसी जो है कि इसमें मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसमें थोड़े से मैं चाट मसाले ऐड कर देती हूँ। इसमें चाट मसाले डाल के मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब देखिए जो है कि इसी तरह करके मैं दूसरा बैच को फ्राई कर लेती हूँ। तो अब मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ इसे फ्राई होने के लिए और फिर इसी करछी के सहायता से मैं इसे मिला लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं कि हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। तो मैं इसे निकाल देती हूँ। ध्यान रहे कि फ्राई करते समय जल्दबाजी न करें और इसे आराम से फ्राई करें और कम से कम एक बैच तो 7 से 8 मिनट लग ही जाता है फ्राई होने में। तो अच्छे से फ्राई करेंगे तो इसमें कच्चापन नहीं रह जाएगा और बिल्कुल ही क्रिस्पी बनेगा। तो मैंने इसे फ्राई कर लिया है और ये देखिए आप इसे गर्मे गर्मे मूँगफली मसाले मूँगफली पे चाहें तो इस पर चाट मसाले आप इस पर डाल करके इसे मिक्स कर सकते हैं और ये और भी टेस्टी हो जाएगा खाने में। तो इस पर गर्मा गर्म रहेगा तो इसमें मसाले भी चिपक जाएंगे। तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ और ये देखिए इसकी आवाज़ देखिए ये कितना क्रिस्पी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप इसे चाय के साथ इसे खा सकते हैं। तो ये देखिए हमने मसाला मूंगफली को सारे को फ्राई कर लिया है और ये देखिए इसकी मसाले की कोटिंग आप देख सकते हैं। ये देखिए इस पे मसाले भी कितने अच्छे से चिपके हुए हैं। और ये छोटी छोटी सी टिप्स से आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके भी मसाले मूंगफली
ये नमकीन बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी और क्रिस्पी बनेगी। और यही है कि फ्राई करते हुए गैस की फ्लेम को मीडियम और स्लो के बीच में रखना है और इसे अच्छे से फ्राई करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। और एक आप मूंगफली चबा करके भी देख लीजिएगा कि जब ये अच्छे से फ्राई हो गई है तभी इसे निकालिएगा, जब ये क्रिस्पी हो जाए तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक से आप इसका ध्यान देंगे तो आपकी भी जो है कि मसाला मूंगफली की नमकीन बहुत ही टेस्टी बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। तो आप इसे चाय के साथ जो है इंजॉय कर सकती हैं। तो वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो इसे आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। तो मेरी हर रोज़ की ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली रेसिपी लेके अगले दिन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।